फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. अभी बज रहा है 7 o'clock. एंड बाय द वे, हाउ आर यू ऑल? आप लोगों के स्कूल्स रीओपन हो गए या फिर अभी भी वैकेशन चल रहा है? एंड अभी मैं जा रही हूँ ठंडे ठंडे पानी से फेस वॉश करने. ब्रश डन. ऐसे मम्मा ना सुबह सुबह कुकिंग वर्क एंड वो सब में बिजी है. तो ये है मटके का ठंडा ठंडा पानी. ब्रेकफास्ट कर लेना है. हाँ, ब्रेकफास्ट कर लेना है. चलिए, 5 to 10 minutes रेस्ट हो गया है एंड कर लेते हैं ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में आज है चकोस. एंड आज ना हम जाने वाले हैं गार्डन थोड़ी देर बाद वॉक करने के लिए. ओके. वैसे बहुत बार गार्डन जाते हैं, तो तभी मैं भी गार्डन में जाती हूँ वॉक करने. और जब नहीं जाने वाले होते तब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ. तो ब्रेकफास्ट तो कब का हो गया है. और अभी ना मैं आज के आउटफिट को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि कौन सा आउटफिट पहनूँ. मतलब ये देखिए, ये इसमें से मैं कौन सा पहनूँ. एक काम करता है, हुमा को पूछता है कि मैं आज कौन सा आउटफिट पहनूँ. चलिए हुमा. हाँ, एक मिनट, क्या हुमा आ सकता है? पहले कि बाय में पहले चलो. चलिए, क्या काम पड़ गया ऐसा? आज मैं कौन सा आउटफिट पहनूँ? ओके, R I Y A, यहाँ से फोर्थ वन बाय. सो 1, 2, 3 एंड ये है हमारा फोर्थ नंबर का आउटफिट, आई मीन टी शर्ट. सो आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाला टी शर्ट. एंड अच्छा हुआ वैसे मम्मा ने ऐसा आइडिया करके आउटफिट फाइनलाइज करवाया, वरना मम्मा भी शायद कंफ्यूज हो जाते. मम्मा, हाँ. तो ये है टी शर्ट आपको जो फोर्थ नंबर का कहा था वो. वेरी गुड, अच्छा है ना? यस. चलो, वैसे इन सब मैंगोज का आप अभी क्या करने वाला है? इन सब मैंगो का आम रस करके ठंडा ठंडा करने के लिए फिर से रख देंगे. ओ वाओ, आम रस मजा आ जाएगा. तो अभी मैं बात लेके हो जाती हूँ रेडी. सो मैं हो गई हूँ रेडी एंड पूजा वगैरह भी हो गया है. मम्मा चलिए, मैं रेडी हो गई हूँ, तो हम चलते हैं गार्डन. चलो, तो पहले जाके आते हैं. यस. तो ये देखिए, गार्डन आ गया. तो हमने एक्चुअली घर पर तब कब के आ गया है, लेकिन तब से लाइट गई हुई है. तो फिर मैंने ना थोड़ा सा रेस्ट किया. रेस्ट करते करते नैप आ गई मुझे, लेकिन नैप ना 1 घंटे की हो गई पूरी. फिर अभी तक लाइट तो आई ही नहीं है, लेकिन 1 घंटे भी नहीं तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई. मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम जग रही थी, बट तब भी तुम सो ही गई थी. ऐसा है? तो 2 घंटे हो गए. मतलब लंच भी रेडी हो गया है. तुमने देखा कितने बजे? नहीं देखा नहीं, कितने बजे? 12:30. कोई बात नहीं. तो मुझे वैसे भूख भी लग रही है, तो मैं लंच कर लेती हूँ. ये बन रही है ठंडी ठंडी बटर मिल्क. वैसे लंच में है क्या मम्मा? लंच में है ये रजवाड़ी कढ़ी, आम रस जो हमने सुबह सुबह निकाल लिया था. हाँ. देन होममेड बटर मिल्क, भिंडी प्याज की सब्जी एंड चपाती. वाओ. एंड रो मैंगो मैं अभी कट करती हूँ, तो वो देती हूँ. ये लो. ओके. देखो, ये बादलों की आवाज़ पर से लग नहीं रहा कि अभी लाइट आने वाली है. मैं भी वही बोलने वाली थी. तो बिल्कुल भी अंधेरा हो जाए उससे पहले तुम्हें जो भी आज कुछ स्टॉप करना है वो कर लेना. मतलब जो करना है. तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि लंच करके ना डायरेक्टली मुझे DIY करने लग जाना चाहिए. क्या बोलते हैं आप लोग? तो मैं आ गई हूँ DIY रूम में एंड अभी मैं करने वाली हूँ जर्नल. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ गई ना, तो मैं फटाफट से आ गई DIY रूम में. और मैंने सोचा कि जर्नल कंटिन्यू करता है. कंटिन्यू मतलब कि दूसरे थीम की अभी करने वाली हूँ मैं. वो है रेनबो थीम, जो बहुत से लोगों ने कहा था, जिसके स्टिकर्स भी मैंने 3-4-5-6 दिन पहले ऑलरेडी बना लिए थे. एंड ये देखिए, ऑलरेडी बहुत से पेजेस तो मैंने कर भी लिए हैं जर्नल के कंप्लीट, जैसे कि पिंक थीम है, विंटेज थीम, समर कूल थीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड आपको पता है सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ ड्रॉ? तो ये मैं कर रही हूँ सिपर, एंड जिसमें होगा रंग बिरंगी जूस, मतलब कि विबग्योर कलर का जूस. एंड इसमें सारे मैं कलर फिल कर रही हूँ स्केचपेन में जो थिक साइड होती है उससे. एंड फिर मैंने कर ली बॉर्डर. अब आगे कोई भी स्केचपेन से कलर करने से पहले मैंने पेंसिल की लाइनिंग से इरेज कर ली. और उसके बाद यहाँ पे स्काई ब्लू कलर, एंड ये मैं यूज़ कर रही हूँ पेंसिल कलर. और स्ट्रॉ में मैंने कर लिया रेड कलर.
अब ये हाथों से कट किए हुए स्काई ब्लू पेपर को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड अभी मैं डिज़ाइन दे रही हूँ वाशी टेप जैसी। एक्चुअली जनरली हम क्या करते हैं कि वो जो सेल्फ एडेसिव शीट होती है उसके ऊपर वाशी टेप बनाते हैं एंड देन वो स्ट्रिप कट करते हैं एंड अप्लाई करते हैं, स्टिक करते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट सा करते हैं, तो मैंने पेपर पर ही पेज पर ही डायरेक्टली डिज़ाइन बनाई एंड फिर उसकी बॉर्डर कर ली। लेकिन हाँ, मैंने ऑलरेडी जो वाशी टेप्स बनाई थी ना उसमें से एक तो रेनबो थीम वाली बनाई थी, तो ऑफ कोर्स मैं वो यूज़ करने ही वाली हूँ इस बार क्योंकि ये रेनबो थीम है। एंड मैंने येलो एंड पर्पल क्राफ्ट पेपर स्टिक कर लिए, वाइट भी स्टिक किया, उसको ना वो जो वेव वाली सीजर होती है ना उससे कट किया, देन बॉर्डर्स की एंड येलो में भी पर्पल बॉर्डर्स कर ली। देन जस्ट मैं ऐसे ही रैंडमली डिज़ाइंस करती जा रही थी एंड ये है ग्रीन पेंसिल कलर। एंड अगर आप भी अभी मेरे साथ ये जर्नल बना रहे हैं और आपके पास बहुत से डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स है जो आपने DIY बनाया है तो आप वो भी वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने लिख लिया रेनबो इज़ द स्काई इज़ लवली गार्डन। अभी ये जो है ना ये वाशी टेप्स मैंने बहुत सारे दिन पहले बनाई थी, बहुत सारे दिन पहले, एंड ये है उसमें से रेनबो थीम वाली। एक्चुअली जब बनाई थी ना तभी मैंने आपको कहा था कि ये मैं रेनबो थीम वाली चैनल में ज़रूर यूज़ करूँगी। फिर रेनबो थीम है तो रेनबो कैसे रह सकती है, सो उसका भी स्टिकर मेरे पास ऑलरेडी था ही जो मैंने DIY कर ही लिया था ऑलरेडी। फिर मम्मा ना वाटरमेलन जूस बना रहे थे तो मैं नीचे गई। तो ये देखिए अभी मम्मा बनाने वाले हैं वाटरमेलन का जूस एंड ये बन गया वाटरमेलन का जूस। लेकिन अभी ना इसे ठंडा ठंडा भी करना है जिसके लिए मम्मा ने इसमें बहुत से आइस क्यूब्स डाले, देन सॉल्ट, भुने हुए जीरे का पाउडर, ब्लैक सॉल्ट एंड फिर उसको मिक्स कर लिया। अरे हाँ, शुगर पाउडर कैसे रह सकता है, एंड उसमें भी आइस डाला है ना तो शुगर पाउडर तो डालना ही होगा। तो ये वाटरमेलन जूस बनके रेडी हो गया, बहुत यम्मी है, एकदम ठंडा ठंडा। नाउ बैक टू आवर जर्नल। तो मैं जहाँ पर पहुंची थी वहां से मैं फिर से कंटिन्यू करूंगी। सो रेनबो वाला स्टिकर तो ऑलरेडी पेस्ट कर ही लिया था, देन डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर ना मैंने क्या किया कि जो विबगी और कलर्स होता है ना उनको ही लाइन बाय लाइन में करती गई। एंड अभी ना लेफ्ट साइड वाले पेज पर एक्चुअली कुछ डिज़ाइन बाकी है तो वो मैं करने वाली हूँ लास्ट में। एंड ये जो मैं स्केच पेन से कलर कर रही हूँ ना उसमें वायलेट को बनाने के लिए पर्पल स्केच पेन से किया मैंने एंड फिर पिंक पेंसिल कलर कर लिया। अब सब कुछ हो गया, उसके बाद पिंक क्राफ्ट पेपर कट करके लगा लिया एंड साइड में बॉर्डर दिखे वैसा तो ऑफकोर्स मैंने रखा ही, देन यूनिकॉर्न का, हॉट एयर बलून का, अम्ब्रेला का एंड आइसक्रीम के स्टिकर्स मेरे पास ऑलरेडी थे जो मैंने DIY कर लिए थे तो वो मैंने पेस्ट कर दिए। एंड ऑफ कोर्स साथ में कुछ सेंटेंसेस लिखने तो बनते ही है ना। अरे हाँ, अम्ब्रेला देख के याद आया कि बहुत से लोगों ने कहा है मानसून थीम जर्नल करने के लिए, जर्नल मतलब जर्नल के इस तरह से जो मैं पेजेस करती हूँ ना वो करने के लिए, तो आप मुझे मानसून थीम में मैं क्या क्या चीज़ें करूँ उसके लिए आइडियाज़ ज़रूर दीजिएगा। मतलब स्टिकर्स का यूज़ करूँ, स्टिकर्स का यूज़ ना करूँ और ड्राइंग करूँ या फिर क्या क्या करूँ। एंड ऑलमोस्ट ये वाला पेज जो है वो भी ऑलमोस्ट डन होने को आया है एंड ये एक डिज़ाइन रह गई है तो वो कर लेता है। वैसे ये है फ्लावर वाले डिज़ाइन और मेक योर ड्रीम्स हैपन द मैजिक इज रियल के बाद में कुछ स्टार्स भी मैंने कर लिए। एंड यस, ये मैंने ब्लैक पेन से फ्लावर तो ऑलरेडी कर लिया था बट मैंने सोचा कि उसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो भी वो बहुत अच्छा लगेगा ना, तो मैंने वो पूरा कंप्लीट कर लिया, पहले सिर्फ कॉर्नर में ही रखा था। यस, नाउ राइट साइड वाला पेज भी ओवर हो गया और अब आते हैं लेफ्ट पेज पर। एंड मैंने आपको कहा था ना कुछ कुछ चीज़ें बाकी है तो वो यही बाकी है। सबसे पहले मैंने जूस का ग्लास किया विथ स्ट्रॉ, देन एक चॉकलेट की, देन ये यमी यमी डोनट किया एंड ये है स्ट्रॉबेरी। फिर मैंने पेज में सबसे ऊपर यहाँ पर भी ब्लैक पेन से रेनबो कर ली, कितना प्रीटी लग रहा है ना। एंड अभी और भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाई जो बाकी रह रही थी जिससे ये और भी प्रीटी लुक देगा। जर्नल इज रेडी, कैसी लग रही है आपको? सो फाइनली मेरी ये वाला रेनबो थीम वाली जर्नल कंप्लीट हो गई है और आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना।
एक्चुअली हाँ, आज तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश आएगी और इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट पूरे दिन तक ही चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर लाइट भी आ गई और हमने लंच भी कर लिया जैसे कि शेयर किया था। उसके थोड़ी देर बाद ये जनरल कर ली और आज ये वाली लाइक रेनबो थीम वाली जनरल ना पूरी कंप्लीट हो गई है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। जनरल मतलब ये वाला पेज जिसके स्टिकर्स मैंने कुछ दिन पहले ऑलरेडी बना कर ही रखे थे। देखिए तो अभी हो रही है डिनर की प्रिपरेशन, एंड क्या आपको पता है आज डिनर में क्या बनने वाला है? आज डिनर में बनने वाला है बॉम्बे स्टाइल 3 लेयर सैंडविच, है ना मम्मा? यस, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। फर्स्ट 3 लेयर सैंडविच तैयार हो रही है एंड फर्स्ट में अभी पहले हम टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा भी फ्रेंड किया है। ओके श्योर। तो ये अच्छा लग रहा है कि हम जो रेगुलर करते हैं वो अच्छी लग रही है, वो देखते हैं। हाँ कट कर रहे हैं, फिर एक मम्मा भी टेस्ट करके देखेंगे और मैं भी टेस्ट करके देखूंगी कैसी लग रही है। ये देखिए तो ये है इसके स्टफिंग, तो हमने इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे बैठ गए और मतलब इतनी मस्त है, हम हर बार करते उससे भी बहुत मस्त है। और इसका एक्चुअली जो फूड शॉट है वो इसकी चटनी में है। हाँ बाकी तो लाइक ये इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा चेंज है बट वो तो ऑलमोस्ट या तो ऐसा ऐसा करके हम सब डालते ही है। हाँ इसकी चटनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगा ना, मतलब बहुत ही मस्त है, अमेजिंग है। तो कल ये चटनी भी शेयर कर दूंगी एंड ये जो सैंडविच है उसमें लेयर्स में क्या डाला वो भी शेयर कर दूंगी। हाँ तो कल जियाज अमेजिंग व्लॉग वर्ल्ड में वो आ जाएगा। हाँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो मेरी तो सैंडविच बन गई है एंड मैं तो इसको एंजॉय करने बैठ जाती हूँ। अभी हमने डिनर भी कर लिया है एंड मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। तो ये है DIY हेयर ऑयल जो मम्मा ने बनाया है और भी बनाने हैं लेकिन वो भी बाकी है और मम्मा मुझे अभी ये वाला हेयर ऑयल ना अप्लाई करके देने वाले हैं। तो बस मम्मा हेयर ऑयल अप्लाई करके देंगे, फिर मैं थोड़ी देर में ब्रश करके सो जाऊंगी। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।